हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रिस्पी फ्राई भिंडी की रेसिपी, जो कि बहुत यम्मी बनती है और आप इसको ओनली 10 मिनट्स में बना सकते हो। एंड लिटरली गाइस ये एकदम क्रिस्पी और यम्मी बनेगी कि आपको डेफिनेटली मज़ा आ जाएगा इसको खाने के बाद। तो जी भिंडी को हम वॉश करके अच्छे से सुखा लेंगे, बिल्कुल भी गीली नहीं रहनी चाहिए। एंड देन मैं इसको 4 पीसेस में कट कर रही हूँ, आप चाहो तो 2 में भी कर सकते हो। एंड यहाँ पर मैंने भिंडी के सीड्स नहीं निकाले, अगर आपको नहीं पसंद हो या फिर सीड्स ज़्यादा बड़े हों तो आप उनको निकाल सकते हो। एंड अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और आमचूर। एंड यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून बेसन। अब हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है कि सारी चीज़ें भिंडी में बिल्कुल अच्छे से कोट हो जाएँ। सो आप देख सकते हो मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है, सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से भिंडी में कोट हो गई हैं। आपको भी इसी तरह से करना है। अब हम इसको गर्मा गर्म तेल में फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं शैलो फ्राई करने वाली हूँ, आप चाहो तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो। सो स्टार्टिंग में हम इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर, एंड देन हम इसको हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे ओनली फॉर 2 मिनट्स। और आपको इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है क्योंकि भिंडी जो ना बहुत ही नाजुक होती है तो ये बहुत जल्दी जल जाएगी और इस पर मसाले भी कोट हुए हुए हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है और इसको स्टर करते रहना है। और आप देख सकते हो कि भिंडी हमारी बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी सी बन गई है। तो अब हम इसे कर लेंगे डैश आउट। एंड इसको थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए आप इस पर चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हो, जिस पर ये बहुत यम्मी लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।